हेलो एवरीवन, दिस इज जतिन शर्मा। तो क्या हाल चाल है आपके? तो गाइज, आज मैं अपनी हबीबी के साथ फिर से ऑफ रोडिंग करने के लिए आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ट्रैक वही है, गाड़ी थोड़ी सी चेंज है। तो मैं कहा चलो आज फिर जाके ऑफ रोडिंग करके आते हैं। तो गाड़ी भी है, मैं लेकर आया हूँ अपनी हबीबी ने। जैसे कि पिछली वीडियो में तुमने देखा था, मैंने बताई थी कि तुम्हें नई कार से ऑफ रोडिंग करके दिखाऊंगा। तो नई कार दिखा देता हूँ तुम्हें अपनी, ये देखो। यो यो आती है भाई, यो ना रुकेगी कहीं भी। तो उसमें मैंने थोड़ा सा डर लगा था जब मैं नीचे उतार रहा था, तो भाई ने उतार दी थी कि मैं उतार देता हूँ। लेकिन मेरा जब तक ना सनक थी कि यार भाई जाके करना है तो करना है, तो इसलिए मैंने आज अपनी ये क्या क्या नाम है भाई इसका, टाइसन। तेरे फोन के पीछे भी वो लग रहा है, टाइसन चप रहा है ना। तो भाई आज हम अपनी टाइसन से ऑफ रोडिंग करेंगे, ठीक है। और मुझे लग ना रहा, देखना कितनी ऊंची है, होगी 5-5 फुट होगी ऊपर, है ना, 5 फुट। और वैसे ऊंची है यो 6 फुट ना, यो 4 फुट पाएगी, 4 फुट यो, और यो टोटल पूरी 6 फुट। तो गाइस आज मैं इसमें बैठ के ऑफ रोडिंग करने वाला हूँ। इसके टायर देख लो, जब मैंने हबीबी के साथ ऑफ रोडिंग करी थी तो हमने एक वो छोड़ दिया था जिसमें पानी का ही ऐसे था, पानी में तो निकल कर आनी थी गाड़ी। तो भाई कह रहे कि भाई ये 2x4x2 है तो रहने दो, फंस जाएगी। तो मैं कहा चल कोई बात ना, हमने भी रिस्क ना लिया, लेकिन आज वो भी करके दिखाऊंगा तुम तो मैं। चलो अब चलते हैं भाई। मैं तो ना सोच रहा हूँ यही जॉब कर लूँ, वैसे भी जॉब ढूंढ ढूंढ परेशान हो लिया मैं तो। अरे तो जॉब की क्यों दिक्कत ले रहा है? जॉब की तो मैं बता दूं तुम्हें, माना जॉब ढूंढना बहुत ही सरदर्दी का काम है, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूं जिससे तुम घर बैठे अपनी मनपसंद जॉब ढूंढ सकते हो रीलेवल बाय अन अकेडमी से। और ऐसे ही जॉब्स लिए हैं सार्थक, निशा, शुभम और भी बहुत से कैंडिडेट्स ने। ये जो सार्थक है, इसने कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब लिया। वैसे एक टेस्ट देने के बाद स्विगी, ओला जैसी 200 प्लस कंपनीज हायर करती है रीलेवल के थ्रू। कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आप कहीं से भी टेस्ट दो। टोटल 19 कैटेगरीज है टेस्ट की, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट, HR। प्लेस होने पर गुडीज भी मिलते हैं, और हर महीने टॉप 3 कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसे प्राइज भी। अब तक 50 करोड़ वर्थ के जॉब दे चुके हैं ये। करियर की सही शुरुआत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, साइन अप कर लो। ना कोई डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस, बस स्किल्स चाहिए, ठीक है, तू भी डाउनलोड कर ले। तो अब करते हैं गाइज अपनी ऑफ रोडिंग स्टार्ट, आ जाओ। यार ये तो बहुत ऊंचा है, देखियो यार। अच्छा यो ना लगा रखी ना, इसलिए भी थोड़ी सी ऊंची लग रही है। मैं भी सोच रहा था गाइज अपनी हबीबी में जो उसके फुट वाले वो हैं उनको हटवा देता हूँ, उससे ना गाड़ी थोड़ी ऊंची लगती है, ठीक है। तो मैं देखूंगा हटवाऊंगा ना हटवाऊंगा, पर फिलहाल हम इसके लिए इसमें विराजमान हो जाते हैं। ओ इसकी खिड़की देख वहां तक है ना। भाई आ जाइए रे। क्या ही आवाज आ रही है इसमें से, हूं करके इसकी जो गाइस इसकी रेस है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। रेस आ रही है इसकी, फिलहाल दिखते हैं 140 तक है। अंदर का थोड़ा सा ऐसा व्यू है, पीछे ओपन है, ठीक है। और गाइस जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में कमेंट करके पूछे कि भाई आपने कैसे कितने में करी ऑफ रोडिंग, तो जो अपनी गाड़ी लेके आते हैं उनका ये चार्जेस लेते हैं 1500 रुपये। और इनके पास 2-3 तरह की गाड़ी हैं, जैसे कि ये वाली का जो गाड़ी है अगर मैं इनकी चला रहा हूँ तो ये लेते हैं हमसे 5000 रुपये, ठीक है। और जो दूसरी गाड़ी है इससे जो छोटी गाड़ी है उसके 3500 रुपये, और अगर आप खुद अपनी चलाओगे जैसे कि मैंने अपनी हबीबी चलाई थी तो 1500 रुपये लिए थे। लेकिन आज मैं 5000 रुपये दे के ये वाली चलाने वाला हूँ, देखता हूँ क्या मतलब फील होता है। चल भाई करें स्टार्ट। इस साइड से दो राउंड ले लो पहले। एक सेकंड क्यों नहीं बनाए? हाँ पहले यहाँ से बार पीछे वहाँ से, अच्छा उसके बाद दो राउंड मार लो, इतने गर्म हो जाएगी? नहीं गर्म नहीं, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे गाड़ी। ये क्या है? अच्छा यो चीज क्या दिखा दी तुमने, इसमें तो निकल जाएगी बहुत प्यार देव, है ना। तो इसमें 4x4 कैसे लगता है? इसमें गियर है यहाँ नीचे, पर यो 4x4 का है ना, तो लगा हुआ है मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। पिकअप नहीं आ रहा इसमें उठाना। तो गाइस पहले चेक कर लेते हैं, 4x4 में चलाएंगे हम, ठीक है ना। वैसे मजा नहीं आएगा जब तक ना दो राउंड दे दो, ऐसे ही दो राउंड दे दो। हाँ भाई निकालो तो इसमें से, वहां से घुमा लाता हूँ।
वीडियो ऐसे चल रही है जैसे ट्रक चल रहा हो, पर बहुत ज्यादा पिकअप है इसमें इस टाइम, ठीक है। अभी देखते हैं कि अगर ये संभल भी ना रही हो, स्टीयरिंग ना मुड़ रहा था, स्टीयरिंग थोड़ा सा मतलब झूल सा रहा है, प्रॉपर ढंग से जैसे अपनी हबीबी में या गाड़ी ओरन में रह रहे उस हिसाब का ना है उनमें। बुला दे, बैठ गाड़ी में, तू अंदर का कैमरा तू संभालेगा, ठीक है। तो गाइस पहले हम वहां जा रहे हैं उसकी उस लड़के के पास, देखते हैं क्या रहेगा। पहला ट्रैक दिखा देते हैं तुम्हें, आगे एक राउंड काट करो। तो गाइस पहला हमारा ट्रैक है, उसे क्लियर करते हैं पहले, चलिए। तो जैसे कि ट्रैक दिखा देख लिया तुमने, ठीक है, उससे पहले मैं अपनी सीट बेल्ट लगा लेता हूँ जो तुम्हें भी लगानी चाहिए हमेशा, तू भी पहन ले भाई। चलो भाई स्टार्ट। हालत खराब होगी, उन्होंने कह रहा सही राह में कुछ खा के ना आया, नहीं तो फेंक देता सब कुछ, सब उल्टा हो जाता। गाड़ी की है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, बिल्कुल आराम से टर्न कम करना है ना, बस टर्न में सामने खड़ा बताता रहेगा, ठीक ही है वो लड़का तो दिखेगा ही ना, साथ साथ चल रहा हूं, ठीक है स्टार्ट। छोटा भाई
जो ये वाली वो है उस पर मैं अटक गया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था अपनी अभी भी साथ ताकि पलट रह जाए, इसमें देखते हैं क्या सीन है। भाई 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 बटन तो कह, चलो यहाँ। ओ भाई एक्सपीरियंस ज्यादा ना, अब कर दूंगा, अब दे सकते, तू अल्टो दे दे, अल्टो तो बता दूंगा मैं। अभी दो तीन टीले मतलब जो एक्टिविटी के हैं वे थोड़े नए बनाए हैं, तो भाई कह रहे हैं कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं चला लेता हूँ, आप साइड में बैठ जाओ। पर मैं कह नहीं चलाऊंगा मैं जी, देखो रिस्क तो लेना है, गाड़ी हमने यो इसीलिए तो लिया कि हम रिस्क ले सके। चलो मैं थोड़ा सा काट के लूं। खिलाड़ी बड़े सर, हम नू तो चलाते रहते। अच्छा ये वाली है जो है तो इसमें ब्रेक मार के आएगी जैसे वहां से गई है, डर रहेगा इस पे। अरे नहीं मैं बताता हूँ, आप बताना मुझे, ठीक है क्या वो वाला? ये तो और ज्यादा हुआ, 24-25 फीट नीचे आएंगे एकदम। अभी बढ़ाया है ऐसे लो शॉट या ऐसे बिल्कुल स्टीयरिंग सीधा रखना अपना, बस मेरी तरफ करो आपकी तरफ करना, बस बस हाँ, दोनों हाथ से पकड़ के रखना है फर्स्ट गियर में, ठीक है। धीरे धीरे ब्रेक के साथ ठीक है, कुछ नहीं होगा, दबा के चलो। अभी डन रखो, हाँ हाँ चलो, यही रखे रखना, मतलब जो टायर रहेगा बिल्कुल ठीक है इसी हिसाब से, ठीक है। चलिए ब्रेक दबा के चलते रहो, बिल्कुल जाम मत करना, खड़ी नहीं करनी गाड़ी, ठीक है चलो। और जहाँ लगे ना बिल्कुल रुक रही है तो क्लच छोड़ देना ताकि निकल जाए, कुछ नहीं होगा, डरना मत, स्टीयरिंग नहीं टर्न करना, पकड़ के रखो स्टीयरिंग, बस सही है बिल्कुल, नीचे जाके उतर के रुकना, ठीक है। चलो मैं एक बार सीट बेल्ट पहन लेता हूँ जी, ठीक है चलिए। स्टीयरिंग ठीक है? बिल्कुल ठीक है, डरो नहीं, कुछ नहीं हो रहा, आराम से जाएगी, अपने आप चलती है स्टीयरिंग, बस हार्ड पकड़ के रखो। चलो 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 चलो, जाने दो तो भाई भाई मैंने तो आंख बंद कर दी। हड़के में लेके गए, खुला शेर ना हड़के में लेके था ना, एक नंबर। मेरी हार्ट बीट चेक करो, मेरी हार्ट बीट ओ भाई रे। तो गाइस तुम्हारे भाई ने ऑफ रोडिंग कम्प्लीट कर लिया, जिसमें भाई कह रहे थे कि भाई 26-27 फुट नीचे है, उसमें मैं चला लेता हूँ, आप साइड में बैठ जाओ। मैं कह नहीं नहीं भाई, पहले मैं देखो ट्राई करनी चाहिए ना, अपनी हबीबी से थोड़ी सी दिक्कत आती है, माना मैंने, लेकिन
जब यो लिया है, यो हाथी लिया है हमने, तो हम क्यों डरे भाई किसी थे। मैंने ऊपर तो ही आने दे, मेरा एक बार तो थोड़ी सी हुई कि यार कभी गिर विर जावे, कुछ हो जावे, पर फिर मैं कहा चल जाने दे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो गाइज फाइनली मैंने आज प्रॉपर ढंग से ऑफ रोडिंग करी है टाइसन के साथ, तो जैसे कि आप देख सकते हो। और भाई तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, इन गाड़ियों में और स्कॉर्पियो फॉर्चूनर, इनमें बहुत थार भी लगा लो, बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। फर्स्ट गियर में जैसे ही मैं इसमें रेस दे रहा था तो ऐसे भाग रही थी, मतलब बहुत कैडी, मतलब झटके तो भाग रही थी, जैसे 4x4 में तो लग ही रहा था। मैंने और भी गाड़ी चलाई है 4x4, पर उनमें इतना पिकअप नहीं रहता जितना इनमें है। तो लेकिन इनमें थोड़ी सी एक दिक्कत रहे, वैसे स्टेयरिंग की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, ज़्यादा कटे ना, मतलब जैसे मेरे पे एक बाइक है उसमें जो UM है, जिस टाइम मैंने ईस्ट किया उसकी रेस कराई थी, तो उसमें ना हैंडल बस इतना ही मुड़ा है। ऐसे ही इनकी मैंने पूरी कटिंग करी तो वो थोड़ी सी ही मुड़ती है, पता ना किस कारण, टायर मोटे हैं या फिर ऑफ रोडिंग के लिए इसलिए होता होगा कुछ ना कुछ। तो गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। मिलते हैं फिर इनकी टग ऑफ वॉर में, चलो बाय। 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.